रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है आइए जाने इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा साथ ही जाने रक्षाबंधन को लेकर पौराणिक मान्यताएं क्या है रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है ये पर्व सावन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगती है यह पर्व भाई बहन के मजबूत संबंधों को दर्शाता है साथ ही यह त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और विश्वास को भी मजबूत करता है इस साल रक्षाबंधन उन्नीस अगस्त को मनाया जाएगा सावन का आखिरी सोमवार और रक्षा बंधन एक ही दिन पड़ रहा है ऐसे भाई बहनों को शिव जी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त रहेगा हालांकि रक्षा बंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है हिंदू धर्म में भद्रा के समय को अशुभ माना जाता है मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है इसमें भाई के कलाई पर राखी बांधना भी शामिल है भद्रा काल की शुरुआत पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ होगी और १९ अगस्त को दोपहर एक बजकर तीस मिनट आरोप खत्म होगी ऐसे में १९ अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर एक बजकर तीस मिनट ऐसी रात्रि नौ बजकर सात मिनट तक रहेगा कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त सात घंटा सैतीस मिनट का रहेगा रक्षा बंधन को लेकर विभिन्न मान्यताएं भी है एक प्रचलित कथा के अनुसार जब महाभारत में भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने उनकी उंगली से खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के रक्षा का वचन दिया था